मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाईफाई एनवीआर किट, जो आपको पूरा एक किट मिलेगा जिसमें पूरा पैकेजेस है विथ 4 कैमरास एनवीआर और जिसमें आप एक्सटेंशन कर सकते हैं टोटल 9 कैमरे तक। तो बताना चाहेंगे कि क्या क्या उस डब्बे में आएगा, आपको कैसे आपको लगाना है और क्या क्या सारा एडवांटेजेस है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसका इंटरफेस कैसे आपको यूज़ करना है। सबसे पहले बताना चाहूँगा ये आपका एनवीआर के बॉक्सेस है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये बॉक्सेस आपके रहेंगे एज इट इज। जो आप जो डब्बे में आप पिक्चर जो देख रहे हैं वो रहेगा। इसमें दो डोम कैमरे आएंगे और दो बुलेट कैमरे आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या दिया जाएगा, आपका ऐसा अडॉप्टर रहेगा 4 हर एक कैमरे के लिए दिया गया है। एक अडॉप्टर दिया रहेगा एनवीआर के लिए, ठीक है। उसके साथ एक माउस पोर्ट किया रहेगा और एक आपका लैन केबल दिया हुआ रहेगा। इसको आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन का नाम है EG5। उसके साथ आपको इसमें एक आपका स्टार्टअप गाइड दिया गया है और उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर रिकॉर्डर भी आपको साथ में दिया गया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ कैमरे के बारे में बता। सबसे पहले ये जैसा आपका ये आपका ड्रोन कैमरा है, सिमिलरली एक आपका बुलेट कैमरा भी आएगा जो कि हमने यहाँ लगा रखा है। सब कुछ हमने नहीं दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिर्फ हमें पावर दिया है। इस पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं करना है, बस ये डिवाइसेस प्लग एंड प्ले है। आपको बस पावर देना है और कुछ नहीं करना है। साथ समय बताना चाहूँगा ये भी चीज़ कि ये आपके पावर के साथ इसमें एक बटन दिया हुआ है। ये बटन है रिसेट बटन, आप कह सकते हैं रिसेट टाइप का पहले जो आता था। इसको आपको 6 सेकेंड के लिए जब आप प्रेस करेंगे ये जो लाइटें हैं आपकी जो आयर की जो लाइटें हैं ये 4 टाइम्स आपको ग्लो करेगी। दैट मीन्स कि ये सिग्नल्स और इस एनवीआर का सिग्नल्स से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। अगर फिर भी कनेक्ट ना हो तो सिर्फ आप एक बार पावर निकाल करके पावर ऑन कर देना है। ये था कनेक्टिविटी, आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है। अब हम आते हैं कैमरा। जैसा ये आप सामने कैमरा देख रहे हैं इसका रेंजेस 30 मीटर है, इसलिए मैंने बोला कि एक पार्टिकुलर प्रेमिसेस में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसका इंटरफेस में। जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो ये वीडियो ये आपका एनवीआर का फर्स्ट इंटरफेस का चार्ट दिया हुआ है। मेन मेनू का है, रिकॉर्ड का है, स्क्रीन पे कर सकते हैं आप सिंगल ऑटो सिंगल 4 का स्क्रीन कर सकते हैं, 9 का स्क्रीन कर सकते हैं, 8 का स्क्रीन कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं। अब हम मेन मेनू में चलते हैं तो जैसे आप एनवीआर में करते थे फीचर्स सेम चीज़ें, प्लेबैक का है, बैकअप का है, हार्ड डिस्क ड्राइव का है, स्टेटस क्या दिखाएगा, रिकॉर्ड का क्या है, शटडाउन मेंटेनेंस कॉन्फ़िगरेशन और कैमरा, ये चीज़ें एनवीआर में नॉर्मल एनवीआर में भी आता है। उसमें भी जो है आपको से ये इसमें भी आता है। अब हम बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरे में ये आपका ऐड कैमरा जैसे ही हुआ तो ये देखिए इस सीरीज का ये ऑलरेडी ये बाइंड अप किया गया है इस कैमरे को एनवीआर के साथ। तो आपको आईपी मॉडिफाई या आईपी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल जो 2 मेगापिक्सल कैमरे में आपका हम पहले आईपी चेंज करते थे फिर पासवर्ड चेंज किया हमने उसके बाद कैमरे को कन्फिगर करते थे, तो इसमें वो चीज़ें कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने बोला ये प्लग एंड प्ले है। उसके बाद मोशंस का है, आप चाहते हैं कि मोशन रिकॉर्ड करे तो वो भी आप कर सकते हैं। प्राइवेसी मास्क बना सकते हैं, ऑडियो चैनल को मेंटेन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस डिटेक्शन भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि फेस डिटेक्शन वगैरह हो तो बस आपको इनेबल करना है। उसके बाद ऐड कैमरा में आपने चली गए। उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं तो ये आपका एनवीआर का डेट एंड टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एनवीआर को आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ से आप लैन केबल दीजिए, इंसर्ट कीजिए राउटर के थ्रू, वो आपको इनेबल करना है, ऑटोमेटिक आईपी चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ पर वाईफाई का जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इजी वाईफाई, यहाँ जैसा ऑफलाइन लिखा हुआ है ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे मैंने बताया आपका जो ये आपका इजी फाई है जो आप सिंबल देख रहे हैं इसी सिंबल के नाम से आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इजी फाई के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। सीरियल नंबर स्कैन करना है, यूजर नेम पासवर्ड यूज़ करना है और आपको ऑनलाइन हो जाएगा। ये वीडियो के बारे में था। मेंटेनेंस वगैरह में आप ऑटो मेंटेन रिस्टोर कर सकते हैं तो नॉर्मल चीज़ें ये सारा चीज़ दिया हुआ है। दूसरी चीज़ ये कैमरा WDR HLC BHLC जितने भी फीचर्स जो एडवांटेज होते हैं कैमरे के लिए इमेज एनहांसमेंट में वो सारा कुछ इसमें दिया गया था, ठीक है। तो ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसलिए ताकि लोगों को पता हो कि
ऐसा भी कंपनी हमारा प्रोडक्ट बनाई है जो मार्केट में इजी टू इंस्टॉलेशन है, इजी टू कॉन्फ़िगरेशन है और प्लग एंड प्ले है, तो आपको ज़्यादा मेंटेनेंस भी इसमें कम लगेगा।